लालची कचड़ा वाला। सूरतपुर नाम के गांव में कांशीराम नाम का एक कचड़ा वाला रहता था। वो अपने ऑटो ट्रॉली में घर घर जाकर कूड़ा उठाता था। हर घर से महीने का 50 रुपए लेता था। उसके गली में आते ही कुत्ते भौंकने लगते। घरों से उठाए हुए कूड़े से ऑटो ट्रॉली भर जाता था। वो यूं ऑटो में जब गलियों से गुजरता तो कूड़े रास्ते में गिरता रहता था। कांशीराम उसकी परवाह किए बिना जाता रहता था। यूं सड़क कूड़े से भर जाता था। कोई उसे बोलता तो, मैं क्या करूं? लोग आजकल कूड़ा ज्यादा करने लगे हैं। आप लोग जो 50 रुपए देते हो उसे मैं क्या कूड़े हवाई जहाज में ले जाऊं? चलो चलो, बड़े आए कहने वाले। उस गांव में यही एक अकेला कचरा वाला था, इसलिए लोग इसे बर्दाश्त करते थे। कांशीराम कूड़ा लेकर गांव के बाहर आता था। यूं देखा जाए तो उसे वो कूड़ा शहर के डंपिंग यार्ड में डालना चाहिए, लेकिन वो इतनी दूर कौन जाएगा, यूं सोचकर गांव के बाहर ही डाल देता था। गाय आकर वहां खाने के साथ प्लास्टिक भी खाती थी, उससे वो बीमार पड़ती थी। ये सब बंटी नाम का एक लड़का साइकिल पर स्कूल जाते हुए देखता था। घर पर पिताजी से बोला, इन सब से तुम्हें क्या लेना देना? दुनिया भर की चिंता सिर्फ तुम्हें ही है क्या? चलो जाकर पढ़ाई करो। उस गांव के एसआई से भी शिकायत की, पर वो एसआई काम में मशरूफ होने के कारण इस कूड़े की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। यूं कांशीराम हर रोज घरों से कचरा जमा करके गांव के बाहर ही फेंक देता था। एक दिन बंटी जब साइकिल पर स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि कचरे के पास 2 गाय मरे पड़े थे। उसे बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि कांशीराम को वो सबक सिखा कर ही रहेगा। अगले दिन घर पर उसने जो पैसे जमा करके रखे थे उसे लिया, एक जेसीबी वाले के पास गया और उसे पैसे देकर कांशीराम के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसे अपनी योजना बताई। जेसीबी वाला मान गया। उस रात को जेसीबी से गांव के बाहर का कूड़ा उठाया। और उसे एसआई के घर के बाहर डाला। अगले दिन घर के बाहर कचरा देखकर एसआई परेशान हो गया। कांशीराम को स्टेशन पर बुलवाया और, तुम्हारी ये मजाल कि तुम गांव भर का कचरा मेरे घर के सामने डाल दो? मैंने तुम्हारी तफ्तीश किया, पता चला कि तुम गांव का कचरा डंपिंग यार्ड में नहीं डालते हो, गांव के बाहर ही फेंक देते हो। इस बार तुमने सोचा कि उतना दूर भी क्यों जाऊं, तो मेरे घर के बाहर डाल दिया। मैं नहीं जानता सर, मैंने नहीं डाला, यूं कह रहा था। खामोश कांस्टेबल, इसे हवालात में डालो और इसकी अच्छी तरह सेवा करो। अगले दिन जेल से उसे बाहर निकाल कर एसआई, आज से गांव में एक कागज का टुकड़ा भी नहीं नजर आनी चाहिए, सड़क पर केले का छिलका भी दिखा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस दिन से कांशीराम कचड़े को ध्यान से ले जाने लगा। टाउन के डंपिंग यार्ड में ही ले जाता था। ऐसे के डर से गली भी साफ करता था। ये देख बंटी बहुत खुश हुआ।